किसी मैच पर प्रभाव डालने के लिए कितनी गेंद चाहिए? बड़ा सवाल है, जवाब देना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप महेंद्र सिंह धोनी हैं तो जवाब बहुत आसान हो जाता है। आप सिर्फ एक गेंद खेलकर माहौल बना सकते हैं। चेपॉक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। महेंद्र बाहुबली कहे जाने वाले धोनी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 3 गेंद खेली, लेकिन ये 3 गेंदें ही लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। आईपीएल 2023 की शुरुआत 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर करने वाले माही ने लखनऊ के खिलाफ अपना स्ट्राइक रेट और बेहतर किया। उन्होंने चेपॉक में अपनी पहली दोनों गेंदों पर छक्के जड़े। 41 साल के माही मई 2022 के बाद अपना सिर्फ दूसरा प्रोफेशनल गेम खेल रहे थे। जब उनकी टीम बैटिंग करने आई, गेम में सिर्फ 4 गेंदें बाकी थी। माही के आने से पहले मार्क वुड ने रविंद्र जडेजा का विकेट लिया था, और माही के आने के बाद उन्होंने जो पहली गेंद फेंकी वो 148.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। धोनी ने इस गेंद पर बल्ला घुमाया और गेंद तैरती हुई बाउंड्री के बाहर निकल गई। अगली गेंद वुड ने बाउंसर मारी, माही ने इसे भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इस बार उन्होंने गेंद को हुक किया था और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर निकल गई। इस छक्के के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी, माही ने इस गेंद को वाइड कराने के लिए रिव्यू लेने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि बल्ले से लगने के बाद गेंद वाइड नहीं हो सकती, और इसके बाद उनकी पारी खत्म भी हो गई। मार्क वुड की अगली गेंद को भी उन्होंने जोर से मारा, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री के अंदर ही रह गई। 151.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस गेंद पर वो कैच आउट हो गए। धोनी ने 3 गेंदों पर 2 छक्के जड़ चेन्नई को 217 तक पहुंचाने में मदद की। इस आईपीएल में धोनी अब तक 2 पारियों में 260 की स्ट्राइक रेट से 26 रन बना चुके हैं। अगर आपने मैच देखा है और आपको ये वाला मोमेंट पता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आप अपनी राय हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और नहीं देखा तो जाके जल्दी से हाइलाइट्स में देख लो यार, इतिहास इसी से ही बनता है। खबर लिखी मेरे साथी सूरज ने, मेरा नाम सोनल है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललित टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।